टेस्ट क्रिकेट में अक्सर फैब फोर की चर्चा होती है, यानी वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीमों की कप्तानी की है और टेस्ट क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस लिस्ट में भारत के विराट कोहली, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट शामिल हैं। हाल ही में जो रूट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और फैब फोर में नंबर एक पर पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक बड़ा खिलाड़ी पिछड़ गया और जो रूट ने अपना नाम कैसे चमकाया। हाल ही में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच सीरीज समाप्त हुई। हालांकि श्रीलंका ने आखिरी मैच जीत लिया, लेकिन जो रूट ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूट ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 शतक लगाए और कुल 375 रन बनाए। इस प्रदर्शन के साथ उन्हें चौथी बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन, बेन स्टोक्स और केन विलियमसन ने 3-3 खिताब जीते थे। अब फैब फोर की बात करें तो जो रूट ने इस मामले में भी बढ़त बना ली है। केन विलियमसन ने 4 प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीते थे, लेकिन जो रूट के पास भी अब 4 हैं। स्टीव स्मिथ और विराट कोहली इससे पीछे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जो रूट अब WTC में भी सबसे आगे हैं। 2019 से अब तक के आंकड़े इस प्रकार हैं। जो रूट ने 58 मैचों में 4,973 रन बनाए हैं, जिसमें कि उनका 16 शतक और 20 अर्धशतक हैं। स्टीव स्मिथ ने 45 मैचों में 3,886 रन बनाए हैं, जिनमें कि 9 शतक और 17 अर्धशतक हैं। केन विलियमसन ने 23 मैचों में लगभग 2200 रन बनाए हैं, जिनमें कि उन्होंने 10 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर, जो कि विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने 36 मैचों में 2235 रन बनाए हैं और 4 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की आंकड़े देखें तो भी जो रूट की स्थिति काफी मजबूत है। जो रूट ने 146 टेस्ट मैचों में 12,406 रन बनाए हैं, 34 शतक और 64 अर्धशतक लगाए हैं। केन विलियमसन ने 100 मैचों में 8,743 रन बनाए हैं, जिनमें कि उन्होंने 32 शतक लगाए हैं। स्टीव स्मिथ ने 109 मैचों में 9,685 रन बनाए हैं और 32 शतक लगाए हैं। विराट कोहली की बात करें तो 113 मैचों में उन्होंने 8,484 रन बनाए हैं और 29 शतक लगाए हैं। 2023 से 2025 तक WTC में भी जो रूट का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 16 मैचों में 1300 से ज्यादा रन बनाए हैं और 5 शतक भी लगाए हैं। स्टीव स्मिथ ने 12 मैचों में 738 रन बनाए हैं और 1 शतक लगाए हैं। केन विलियमसन ने 6 मैचों में 619 रन बनाए हैं और 4 शतक लगाए हैं। विराट कोहली ने 4 मैचों में 369 रन बनाए हैं और 1 शतक लगाए हैं। इसके अलावा जो रूट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के भी करीब पहुंच चुके हैं। सचिन ने टेस्ट में 15,921 रन और 51 शतक लगाए हैं, जबकि जो रूट के 12,402 रन हो चुके हैं और उनके 34 शतक हैं। शतक के मामले में भी जो रूट को तेंदुलकर से 17 शतक और ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के वे सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे। फैब फोर में विराट कोहली का ओवरऑल शतक का रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा है। वह 80 शतक के साथ सबसे आगे हैं, जबकि जो रूट के 50, केन विलियमसन के 45 और स्टीव स्मिथ के 44 शतक हैं। इस प्रकार जो रूट ने फैब फोर में नंबर एक की स्थिति पर पहुंचकर सभी को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली की शानदार फॉर्म एक बार फिर से देखने की उम्मीद है, लेकिन इस समय फैब फोर में नंबर एक बनना उनके लिए चुनौतीपूर्ण लगता है। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली फैब फोर में नंबर एक पर बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।